दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही फेमस रेसिपी अड़ू की वड़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अड़ू की वड़ी बनाने के लिए लिए हैं अरबी के पत्ते, जिसे अड़ू के पान या अरबी के पत्ते भी कहते हैं। तो मैंने इस तरह के ये पत्ते ले लिए हैं। तो यहाँ पे अब मैं लूँगी एक कटोरी बेसन, दो चम्मच तिल, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हींग, एक चम्मच नमक। यहाँ पर मैंने इमली और गुड़ की चटनी की है, अब वो इसमें मैं डाल दूंगी। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। इमली और गुड़ की चटनी डालने से जो हमारी अड़ू वड़ी है ना, वो मस्त चटपटी बनेगी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। इसे हमें ना तो ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना ही ज़्यादा पतला। इस तरह से आप इसे मिक्स करते जाइए। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी पीस के डाल सकते हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा मसाले यूज नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपल तरीके से ही अड़ू वड़ी बनाऊँगी। आपको इसे अच्छे से फेंट लेना है। आप चाहे तो इसमें चावल का आटा भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी अड़ू वड़ी और कुरकुरी बनेगी। लेकिन मैंने यहाँ पे ये यूज नहीं किया है, क्योंकि हमारे घर में इसी तरह से बनाई जाती है। ये देखिए, आपको इस तरह से इसका एक स्मूथ बैटर बना लेना है। अब हम आगे की तैयारी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ये अरबी के पत्ते लिए हुए हैं। ये फ्रेश पत्ते हैं, बहुत ही सॉफ्ट है, इसलिए मैं इसके पीछे का ये जो हिस्सा है, डंठल वाला हिस्सा है, मैं नहीं निकालूंगी। ये बहुत ही सॉफ्ट है। अगर आपके पत्तों का डंठल बहुत ही टाइट रहता है तो आप चाकू की सहायता से इसे इस तरह से कट कर लिए, ताकि आपकी जो अड़ू वड़ी है वो आपको अच्छे से फोल्ड करते बने। अब इस तरह से मैंने पत्ते ले लिए हैं। ये जो सीधी वाली साइड है, आपको इस तरह से पलट के रखनी है और इसमें जो हमारा बैटर है, हमें इसमें स्प्रेड करना है, लगा लेना है। आप चाहे तो चम्मच से भी लगा सकते हैं, लेकिन हाथों से ये अच्छी तरह से फैल जाता है। हमें इसे इस तरह से फैला लेना है। अगर आप अड़ू वड़ी इस तरह से बनाते हैं तो ये आपको खुजलाएंगे भी नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो अरबी के पत्ते रहते हैं वो गले में खराज पैदा करते हैं। अब ये दूसरा पत्ता भी मैं इसके ऊपर इस तरह से रख दूंगी और जो बेसन का जो बैटर है वो हम इसमें भी इस तरह से लगा लेंगे। आप चाहे तो इसमें सोडा भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी जो अड़ू वड़ी है वो और भी कुरकुरी बनेगी। यहाँ पे मैंने तीन पत्तों का लेयर किया है। अब हमें एक साइड से इसे इस तरह से फोल्ड करना है और इधर से भी हम इसे फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पे भी अपना जो बैटर है वो इसमें लगा लेंगे। ऊपर से भी हमें इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी बैटर को लगा लेना है और इस तरह से इसे थोड़ा प्रेस करते हुए इसे फोल्ड करते जाना है। ये देखिए, ये कितने अच्छे शेप में बने हैं। अब यहाँ किनारों में भी मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसमें बैटर को लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया था, क्योंकि हमें जो हमारी अड़ू वड़ी है उसको भाप में पकाना है। यहाँ पे मैंने एक जर्मन की छन्नी ली है, अब इसे मैं इसके ऊपर रख दूंगी। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने तीन इस तरह की अड़ू वड़ी बनाई हुई है। अब हमें इसे भाप में पकाना है। तो अब ये जो हमारी छन्नी है उसमें एक एक करके मैं ये अड़ू वड़ी रख दूंगी। अब इसमें मैं इस तरह से इसमें एक थाली ढक के रख दूंगी, जिससे जो हमारी अड़ू वड़ी है भाप में जल्दी पक जाए। तो इसे हमें लो से मीडियम आंच में 10 से 15 मिनट के लिए रखना है। अब मैं इसे खोल के दिखाती हूँ।
ये देखिए हमारी अड़ुवड़ी है जो परफेक्ट स्टीम हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब इसे हम एक डिश में इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। अब ये जो हमारी अड़ुवड़ी है वो अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। हमें इसे इस तरह से कट करते जाना है। ये देखिए कितने सारे लेयर्स आए हैं इसमें, आप देख सकते हैं इसमें अभी से कितने सारे लेयर्स आ गए हैं। अब हम इसे डीप फ्राई करने के लिए ले चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने पहले ही तेल गरम करने रख दिया था। अब जो हमारी अड़ुवड़ी है हम इसमें एक एक करके डीप फ्राई कर लेंगे। हमारी जो अड़ुवड़ी है वो पहले ही पक चुकी है तो हमें इसे ज्यादा फ्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए हमारे अड़ुवड़ी का कलर कितना मस्त आया है। अब हम इसे एक डिश में निकाल लेंगे। गैस को बंद कर दीजिए और इस तरह से मैं एक एक अड़ुवड़ी को निकाल लूंगी। तो हमारी अड़ुवड़ी बनके बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसे अब सर्विंग डिश की तरफ ले चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारी खूब सारी लेयर वाली अड़ुवड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। तो दोस्तों आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी नई नई रेसिपी मैं आपके लिए लाते रहूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।